मदद से ला सकते हैं। रास्ते बहुत हैं, पैसा ये लाना है 110 लाख करोड़। फिर आप बोलेंगे इसका करना क्या है, करना क्या है, देश का विकास करना है जो नहीं हुआ 62 साल। तो 110 लाख करोड़ में क्या क्या हो जाएगा, छोटी छोटी कुछ बातें बताता हूं। हिंदुस्तान में 6,38,365 गांव हैं, हर गांव में 100-100 उद्योग हम लगाएं, 100 उद्योग हर गांव में, इसको ध्यान से सुनिएगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 100 उद्योग हर गांव में लगाएं, तो मात्र 10 लाख करोड़ का खर्च होगा। और हमारे पास 110 लाख करोड़ है। आप बोलेंगे कौन कौन से 100 उद्योग, हमारे भारत में 2 लाख से ज्यादा गांव हैं जहां कपास पैदा होता है, जहां कपास पैदा होता है वहां सूत बन सकता है, जहां सूत बन सकता है वहां खादी वस्त्र बन सकता है। तो खादी वस्त्र निर्माण का उद्योग हर देश के, माने भारत देश के 2 लाख गांव में चल सकता है, और उनमें जो खादी बनेगी वो सब हम भारतवासी खरीद कर उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी भारत में 1% लोग खादी खरीदते हैं, अगर 100% लोग खादी खरीदे तो 2 लाख गांव में बनने वाली सारी खादी बिक जाएगी और 15 करोड़ भारतवासियों को उससे रोजगार मिल जाएगा। आप बोलेंगे हम खादी क्यों खरीदे, खादी इसलिए खरीदिए कि उसका उत्पादन करने वाला शेतकरी जो कपास उत्पन्न करता, खादी इसलिए खरीदिए कि कपास उत्पन्न होने से सूत बनता है, सूत बनने से कपड़ा बनता है, वो कपड़ा आप खरीदेंगे तो पैसा किसी शेतकरी के घर में जाता है। आप ये मानते हैं कि विदर्भ के शेतकरी आत्महत्या ना करें तो उसका एक ही रास्ता है कि आप खादी खरीदें, क्योंकि विदर्भ में सबसे ज्यादा कपास पैदा होती है और कपास पैदा करने वाला ही शेतकरी सबसे ज्यादा आत्महत्या करता है, क्योंकि कपास का भाव नहीं मिलता। भाव क्यों नहीं मिलता, क्योंकि कपास के बने हुए खादी की बिक्री नहीं है। और बिक्री क्यों नहीं है, क्योंकि आप टेरेलिन, टेरिकॉट, शिफॉन, जॉर्जेट पहनते, ये टेरेलिन, टेरिकॉट, शिफॉन और जॉर्जेट आप खरीदेंगे, सारा पैसा धीरूभाई अंबानी के खाते में जाता है। करोड़पति को 10 करोड़पति आप बना रहे हैं, 10 करोड़पति को अबजपति बना रहे हैं, क्या आप सेवा कर रहे हैं देश की। कोई भी सिंथेटिक कपड़ा आप खरीद रहे हैं, पैसा अंबानी बंधुओं को ही मिलेगा, और अंबानी बंधुओं की 1 मिनट की इनकम 20,000 रुपए है, आप उस 20,000 को और 30,000 बना रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं देश। जो भूखा मर रहा है शेतकरी, उसकी सेवा करिए, उसके घर में पैसा दीजिए, और उसकी सेवा करने का एक ही रास्ता आपके पास है कि आप खादी खरीदिए। और खादी इसलिए खरीदिए कि खादी महात्मा गांधी ने पहनी, खादी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पहनी, खादी इस देश में भगत सिंह ने पहनी, खादी इस देश में चंद्रशेखर आजाद ने पहनी, खादी इस देश के क्रांतिकारियों का कपड़ा है, खादी इस देश के क्रांतिवीरों का कपड़ा है। मैंने एक दिन सोचा कि एक एक दो दो कपड़े भी खादी के खरीदने लगे हम, हमारी तौलिया, हमारा रूमाल, हमारा एक कुर्ता, एक पजामा, ऐसे थोड़े थोड़े कपड़े खरीदने लगे तो करोड़ों मीटर खादी बिक सकती है इस देश में और 2 लाख गांव में उद्योगों की स्थापना हो सकती है। दूसरा एक उद्योग इस देश में हर गांव में हो सकता है, वो क्या है, भारत में लगभग 1,75,000 गांव हैं जहां गन्ना पैदा होता है, ऊस पैदा होता है, और उस ऊस से हम गुड़ बना सकते हैं और वो गुड़ हम सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे साखर का क्या करें, साखर का एक्सपोर्ट करो, गुड़ का इस्तेमाल खुद करो, साखर खाने में अच्छी नहीं है, गुड़ सबसे अच्छा है। साखर और गुड़ का अंतर बता देता हूं एक ही मिनट में। आप खाना खाइए, मान लीजिए आप 400 ग्राम खाना खाते हैं एक बार में, इससे ज्यादा कोई खा नहीं पाता, 400 ग्राम खाना खाया और 10 ग्राम गुड़ खा लिया आपने भोजन के बाद, तो 400 ग्राम खाने को वो 10 ग्राम गुड़ पूरा हजम करा देगा, पचा देगा, इतनी ताकत 10 ग्राम गुड़ में है। और अब इसका उल्टा बता देता हूं, आपने 400 ग्राम खाना खाया और उसके पीछे से 1 चम्मच साखर आपने खाई, तो 1 चम्मच साखर को पचाने में वो 400 ग्राम भोजन की पूरी ऊर्जा खर्च हो जाएगी, फिर भी वो पचेगी नहीं आपको, इतना अंतर है साखर और गुड़ में। इसलिए खाना है तो गुड़ खाइए, साखर बंद करिए। तो आप बोलेंगे फिर ये साखर कारखानों का क्या होगा, ये चलाएंगे हम विदेशों में बेचेंगे साखर को, जिनको खानी है खाएं, मरना है मरे, हमसे क्या ले लो, डायबिटीज में मरो, हार्ट अटैक में मरो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के मरो, हमको क्या लेना है, ले लो। फिर उनको जागृति आ जाएगी
विदेशों में भी जागृति आएगी, तो फिर वो साखर नहीं गुड़ मांगेंगे, तो अच्छा है, सब कारखाने बंद करके गुड़ बनाएंगे हम, तो सारी दुनिया को खिलाएंगे, हम खुद खाएंगे। आपको मालूम है साखर बनाने के लिए करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लगता है, बैंक से लोन लेना पड़ता है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है, गुड़ बनाने के लिए छोटे से प्रोजेक्ट में हो जाता है, बैंक से लोन नहीं लेना पड़ता, करोड़ों रुपए खर्च नहीं होते, बहुत आसानी से हो जाता है। और कोल्हापुर सतारा सांगली के सब शेतकरी गुड़ बनाने की टेक्नोलॉजी जानते हैं, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है, वो हजारों साल से बनाकर इस्तेमाल करते रहे। और गुड़ से भी अच्छी एक चीज़ है जो सारी दुनिया को हम खिलाएं तो बात ही कुछ और है, वो है काकवी। आपको सुनकर हैरानी होगी, वो गुड़ से भी अच्छी है, गुड़ तो अच्छा है ही, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च करके दिया वो बताया काकवी गुड़ से भी 100 गुना अच्छी है। और काकवी बनाना तो सिर्फ शेतकरी जानता है, इसका माने टेक्नोलॉजी उसके हाथ, हम अगर उसको प्रमोशन करें गांव गांव में, जहां भी ऊस उत्पन्न हो रहा है वहां काकवी बने, बोतल में बंद करके अच्छी पैकिंग करके सारी दुनिया में बिके, लोग खरीदने को तैयार, क्योंकि उनको वो क्वालिटी की कोई चीज मिलती नहीं, हम दे सकते, तो दूसरा उद्योग ये चल सकता है। तीसरा एक बड़ा उद्योग हर गांव में हो सकता है, तेल का। हमको मूंगफली का तेल चाहिए, शेंगा का तेल चाहिए, तिल का तेल चाहिए, सरसों का तेल चाहिए, और ये सब शेंगा तिल गांव में उत्पन्न होता है, 2 लाख गांव है जहां शेंगा होता है, जहां तिल होता है, जहां सरसों होती है, हर जगह तेल निकल सकता है। गांव में बिजली नहीं है तो भी तेल निकल सकता है, तेल निकालने का वो पहले एक छोटा सा कोल्हू चलता था बैल की मदद से, वो अभी फिर चल सकता है, और उसका निकाला हुआ तेल दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो तेल अगर हम खाएं तो हार्ट अटैक कभी आ नहीं सकता, क्योंकि उस तेल से HDL बढ़ता है, और अभी जो डब्बा बंद तेल हम खाते हैं उससे LDL और VLDL बढ़ता है, जो हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण। हमारे जो पुराने लोग थे ना पूर्वज, वो तेल वही खाते थे जो कोल्हू से निकलता था, धीरे 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 धीरे, जानते हैं उसमें खासियत क्या है, टेम्परेचर नहीं बढ़ता तेल का, बहुत धीमे धीमे निकलता है, तो तेल की सारी पौष्टिकता जो उसका प्रोटीन तत्व है वो जिंदा रहता है उसमें, और उसी कारण किसी को हार्ट अटैक नहीं आता था। हमारे पुरखे बहुत तेल खाते थे, तूप भी बहुत खाते थे तो भी हार्ट अटैक नहीं आता। अभी हम डब्बा बंद तेल खाते हैं, ये डब्बा बंद तेल मशीनों से निकलता है, मशीन से जब तेल निकलता है तो टेम्परेचर इतना बढ़ता है कि तेल की सारी पौष्टिकता जल जाती है, फिर उसमें दूसरे तेल मिलाते, सरकार ने उनको लाइसेंस दिया हुआ है भेड़सेड़ करने का, मिलावट करने का। आपको मालूम है शुद्ध तेल में बाहर से आयातित बहुत सारे दूसरे तेल मिला देते हैं, और वो तेल आपको हजम नहीं होते, फिर आपके जीवन में दुख का कारण बनते हैं। तो हम शुद्ध तेल गांव गांव निकलवाएंगे, बैलों से फिर तेल का कोल्हू चलवाएंगे, बैलों को काम मिलेगा, शेतकरी को काम मिलेगा, तेल का डब्बा गांव से भर के शहर में आके बिकेगा, और इस तेल को खाने के लिए लोग तैयार हैं, देने वाले नहीं है। 56,000 करोड़ रुपए का बाजार है तेल का हिंदुस्तान में, हम कम से कम 10 करोड़ शेतकरी को रोजगार दे सकते हैं तेल के उद्योग, ये हम करेंगे। फिर और एक काम हो सकता है, भारत में गेहूं उत्पन्न होता है, लगभग 2.5 लाख गांव हैं जहां गेहूं होता है, जहां गेहूं होता है वहां गेहूं का आटा बन सकता है। अभी गेहूं का आटा शहर में बनता है मशीन से, उसमें भी वही समस्या है, मशीन बहुत तेज घूमती है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, आटे की पौष्टिकता खत्म हो जाती है। हम तो वो हाथ वाली मशीन चलवाएंगे आटे की। हजारों साल इस देश के लोगों ने हाथ से चक्की चला के आटा पीसा है, और जिन माताओं ने ये काम किया है उनको कभी भी पुत्र या पुत्री का जन्म देने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा, सिजेरियन नहीं कराना पड़ा। आप जानते हैं क्यों? जब वो चक्की चलाते हैं तो उसमें सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है वो गर्भाशय की होती है, पेट की होती है, और माँ का गर्भाशय सबसे ज़्यादा लचीला बनता है जब आप वो चक्की चलाते हैं, और अगर गर्भाशय फ्लेक्सिबल है तो बच्चे का जन्म सबसे आसानी से हो सकता है। तो माँ के लिए बच्चे का जन्म आसान है, वो तो एक बात है, फिर हाथ से पिसा हुआ आटा खाएंगे, जिंदगी में कोई त्रास नहीं हो सकता पेट का, क्योंकि धीरे धीरे पीस कर बना। और हमारी तो तैयारी ये है कि जो पुरुष हैं और जिनके पेट बाहर निकले हैं उनसे भी चक्की चलवाए, उनका भी पेट अंदर चला जाएगा, वो स्लिम और ट्रिम हो जाएंगे। ऐसे भी चक्की चलाते हैं ना स्वामी रामदेव जी, चलवाते हैं कि नहीं? फिर असली में चलवाएंगे, गांव गांव में आटा भी बनेगा
लोगों को रोजगार मिलेगा, हमको बेस्ट क्वालिटी। और आपको माहिती है शेतकरी गेहूं बेचे तो 11 रुपए किलो और गेहूं का आटा 26 रुपए किलो, तो गेहूं क्यों बेचना, आटा बना के बेचना ना, फिनिश प्रोडक्ट देना, रॉ मटेरियल गांव से बाहर नहीं लाना। भारत में 90,000 गांव है, 90,000, जहां बटाटा उत्पन्न होता है। अब बटाटा जहां है वहां बटाटा चिप्स बनवाएंगे गांव गांव से और शहर में बिकवाएंगे। विदेश की कंपनी आके बटाटा चिप्स बेचती है 400 से 500 रुपए किलो, हम 100 रुपए किलो तो बेच ही सकते। रफल्स है, हॉस्टेस है, टॉप रेमन है, ये सब 400-500 रुपए किलो के हैं। हम हमारे गांव का बटाटा चिप्स 50 रुपए 100 रुपए किलो बेचे, करोड़ों लोगों को काम मिल सकता। फिर टमाटर पैदा होता है 65,000 गांव में, टमाटर का सॉस गांव में बन सकता है, वो शहर में बिक सकता है। अचार है, मुरब्बा है, ऐसे 100 उद्योग हर गांव में चल सकते हैं। और एक उद्योग में 10 लोगों को भी काम मिला तो 1,000 लोगों को रोजगार हर गांव में मिलता है। और अगर 1,000 लोगों को गांव में रोजगार मिला तो 1,000 परिवार की जिंदगी सुधरेगी, इस देश का बेरोजगारी गांव से बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और मैं तो वो दिन देख रहा हूं कि शहरों में बसे हुए लोग गांव भागकर वापस जाएंगे, क्योंकि उनके घर के पास ही उनको रोजगार मिल जाएगा। शहरों के लोग अगर गांव वापस चले जाएं तो झुग्गी झोपड़ियां खत्म हो जाएंगी। मुंबई की धारावी जो झुग्गी झोपड़ी है वो हमारे मुंह पर तमाचे की तरह से, वो इसलिए है कि गांव में रोजगार नहीं है तो मुंबई जाके उनको रोजगार ढूंढना पड़ता है। जब गांव में काम मिलेगा तो कोई झुग्गी झोपड़ी में क्यों रहने शहर में जाए। ऐसी व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं। और इस पूरी व्यवस्था को बनाने में मात्र 10 लाख करोड़ का खर्चा है और हमारे पास 110 लाख करोड़ है। फिर बचेगा पैसा 100 लाख करोड़, उसका क्या करेंगे? फिर उसके दूसरे काम करेंगे, सड़क बनवाएंगे गांव गांव। फिर उसके बाद बचेगा तो क्या करेंगे? बीज की व्यवस्था करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट दिलवाएंगे हर गांव में। भारत के हर गांव में 24 तास इलेक्ट्रिक करंट मिले उसके लिए 4.5 लाख करोड़ का खर्चा करना, आसानी से कर सकते हैं। छोटे छोटे पावर स्टेशन बना सकते हैं, 1 मेगावाट के, 2 मेगावाट के, और 10 गांवों को बिजली सप्लाई हो वो एक पावर स्टेशन कर देगा। अभी पावर स्टेशन बहुत बड़े हैं, 1000 मेगावाट के, 1500 मेगावाट के। उनकी समस्या क्या है कि वहां जो बिजली उत्पन्न होती है 11,000 वोल्ट की होती है और घर में जो बिजली इस्तेमाल होती है वो 220-240 वोल्ट की होती है। तो 11,000 वोल्ट पे पहले बिजली पैदा करते हैं, फिर उसको स्टेप डाउन करके नीचे नीचे लाके 240 वोल्ट पे कन्वर्ट करते हैं। हजारों यूनिट बिजली फालतू में बर्बाद होती है, हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। एक यूनिट भी बिजली बर्बाद नहीं होनी चाहिए। क्या करें? छोटे पावर स्टेशन बनाओ, 1 मेगावाट का बनाओ, 2 मेगावाट का बनाओ, तो बिजली ही 240 वोल्ट की पैदा करो, तो स्टेप डाउन करनी ना पड़े। तो घरों में इस्तेमाल करने के लिए बिजली अलग, कारखानों में अलग, रेलवे के लिए अलग, ये 3 स्तर पर हम अलग अलग कर देंगे तो फालतू बिजली खराब नहीं होगी और जितनी बिजली हमने बचाई उतनी उत्पादन हो जाएगी। और 35-37% हमारे यहाँ जो ट्रांसमिशन लॉस है ये पूरा हम खत्म कर सकते हैं, छोटे पावर स्टेशन बना के ये काम कर सकते हैं। ये करने के बाद भी पैसे बचेंगे तो हॉस्पिटल बना देंगे, स्कूल बना देंगे, कॉलेज बना देंगे, सब हो जाएगा, गाँव में कुछ नहीं बचेगा, तो भी हमारे पास 60 लाख करोड़ बचेगा, 50 लाख कोटि में सब काम हो जाएगा। फिर हमें सोचना पड़ेगा अब क्या करें, कुछ करने के लिए नहीं, तो फिर योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, हम सुधरेंगे, उनको सुधारेंगे, अपनी सीट सब स्वर्ग में बुक कराएंगे और क्या करेंगे, फिर यही करेंगे। और 60 लाख कोटि जो बच गया उसको फिक्स डिपॉजिट में रख देंगे भारत माता के नाम से, उसका 10% का ब्याज भी मिला साल का, तो 6 लाख कोटि हो गया। उतने पैसे से देश का बजट बना लेंगे, टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, पूरे देश को 0 टैक्स बना लेंगे।